तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुडलक ऐप होता है उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है की कैफे, जिससे आप अपने कीबोर्ड को डिजाइन कर सकते हैं या बोल सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, उस नए अपडेट के साथ नया चेंजेस किए गए, बोल सकते हैं नए फीचर एड ऑन किए गए, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ की कैफे के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है, आपको अपने मोबाइल के गुडलक ऐप में जाना है या फिर आप डायरेक्टली गैलेक्सी स्टोर में भी जा सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे आपको की कैफे के अंदर कोई अपडेट यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में अपडेट आ चुका है। तो यहां पर नहीं दिख रहा है तो आपको करना क्या है, यहां जाना है गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे माय अपडेट्स में, तो आपको देखेंगे वहां पर एक नया अपडेट अवेलेबल मिल रहा होगा की कैफे के अंदर। आप दिख रहे होंगे ये की कैफे के अंदर एक नया अपडेट यहां पर अवेलेबल आपको दिख रहा होगा। यहां नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को आज ही के दिन रोल आउट किया गया है। आप देख सकते हैं 31 जनवरी के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका वर्जन नंबर है 1.0.06.11 और जो इसका साइज है 69.67 MB। और यहाँ पर आप जो उसका चेंज लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप चेंज लोगों में देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बग फिक्सेस किया गया है, फिक बग्स दैट यू शो इन कीबोर्ड। अगर कलर इफेक्ट में कुछ बग्स आ रहे होंगे उसको यहाँ पर टच किया गया है या फिर बोल सकते हैं उसको फिक्स किया गया है। और मेन यहाँ पर एक नया फीचर एड ऑन किया गया है, एड सम मोर इमोशन कीज ऑन मैक्योर कीबोर्ड में, और कुछ बॉक्सेस फिक्स किए गए हैं स्टिकर सजेशन की लिस्ट में। एंड लास्ट व्यू ऑफ कीबोर्ड एडवांस सेटिंग इज नॉट रिस्टोर्टेड थ्रू GTR। अब इसको कर लेते हैं पहले अपडेट, फिर ट्राई करते हैं। तो उसको होने देते हैं अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो फीचर एड ऑन किया गया है ये है फिक्स बग्स दैट डिड नॉट शो एनी कीबोर्ड कलर इफेक्ट ऑन मल्टी टच। कि अगर आप यहाँ पर कलर इफेक्ट लगाते थे और मल्टी टच करते थे तो कुछ बग्स थे, लाइक मल्टी टच ऐसे कि आप यहाँ पर कंटिन्यू प्रेस कर रहे हैं तो कलर इफेक्ट यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, बट ये एक्चुअली अब वर्क कर रहा है। बग फिक्स में पहले भी कर रहा था, बट जो भी कुछ बग्स होंगे यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया। सेकेंड यहाँ पर फीचर दिया गया है एड सम मोर इमोशंस कीज ऑन मैक्योर ऑन कीबोर्ड, कि आप यहाँ पर कीज बना सकते हैं इमोशन कीज और मैक्योर ऑन कीबोर्ड में। तो यहां पर अपन कर लेते हैं इसको ओपन। ओपन करने के बाद यहां पर आप जाएंगे मैक्योर ऑन कीबोर्ड में। यहां पर जाने के बाद आपको यहां जाना है, क्लिक करना है यहां पर। यहां पर क्या करना है, आप इमोशंस कीज बना सकते हैं आप कहीं भी। कैसे, तो आपको करना क्या है, लाइक मुझे किसी कीज पे बनाना है, मान लो मुझे इसी पे कोई इमोशंस की बनाना है, तो मैंने इस पे क्लिक करके रखा तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ऊपर। आपको यहां पर प्लस का ऑप्शन दिया, यहां पर आप प्लस क्लिक करके, यहां पर प्लस पे क्लिक करके आप यहां पर जैसे कि यहां पर कोई इमोजेस को डालना है, लाइक मुझे ये वाला इमोजेस यहां पर डालना है। मैं इधर आ गया, इतने सारे इमोजेस हैं, मुझे ये वाला इमोजेस यहां पर डालना है। मैंने इसको प्रेस करके रखा, मुझे ये वाला इमोजेस यहां डालना है, तो मैंने यहां पर क्लिक करा तो आप देखेंगे इमोजेस इधर आ चुका है। और यहां पर आप पुराने वाला चाहें तो यहां पर डिलीट कर सकते हैं। मैंने सब डिलीट कर दिया और मैंने यहां पर ये वाला इमोजेस डाल दिया। उसके बगल में आपको और भी यहां पर इमोजेस है, जो भी आप डालना चाहें ऐसा डालने के बाद आपको यहां पर इसको लॉक पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, अब मैंने इसको यहां पर एंटर भी कर दिया और इस कीबोर्ड का नाम भी दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर इस कीबोर्ड का नाम दे दिया और ये सेव हो गया। और अब मैं जब भी इस कीबोर्ड को यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली उस की से इमोजेस प्रेस कर सकता हूं, लाइक मैंने जी पे बना रखा है तो आपको यहां पर शॉर्टकट मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू डायरेक्टली यहां पर कीबोर्ड को इमोशंस को अपने यहां पर आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर वर्क करेगा। मेरे हिसाब से इस फीचर का वर्क यही है। हो सकता है आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ अलग से फीचर है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, पर मेरे हिसाब से तो ये फीचर ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एड सम मोर इमोशंस कीज ऑन मैक्योर ऑन कीबोर्ड। तो इसमें और भी कुछ नए की एस की है या बोल सकते हैं नए इमोशंस एच किए हैं तो आप डाल सकते हैं। या फिर एक चीज और हो सकती है जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें इमोशंस की का और मतलब क्या है, उसके लिए वापस मैं आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ पर प्लस पे जाएंगे या एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर इमोजीज लिख रहे हैं, इमोजीज के बगल में जो स्टाइल से लिख रहे हैं इमोशंस, इनको इमोशंस बोलते हैं या फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐड ऑन किए गए। पहले कम थे, अब इसमें बहुत सारे इमोजेस या बोल सकते हैं इमोशंस को ऐड ऑन किया गया है। वो दो फीचर, मतलब जो फीचर है वो इन दोनों में से एक ही फीचर है। हो सकता है वाला फीचर पहले हो जो कि मैंने आपको बताया, ये वाले नए इसमें इमोशंस एड ऑन किए गए हो, तो ये यहाँ पर सेकंड या बोल सकते हैं यही फीचर यहाँ पर एड ऑन किए गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड फीचर में क्या दिया गया है, फिक वर्क्स दैट यूज स्टिकर सजेशन इन लार्जेस्ट व्यू ऑफ कीबोर्ड एडवांस सेटिंग। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद जो कीबोर्ड सजेशन में, जैसे लाइक मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर एक स्टिकर बना लिया,
लाइक मेरे यहाँ पर ये बना हुआ है माय स्टिकर में, यहाँ पर जो आप कीवर्ड पे, अब जो यहाँ पर जो की कैफे में जाके अगर वो स्टिकर बनाएंगे तो वो वहाँ पर लार्जर व्यू में कुछ इश्यूज आ रहे थे वो यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए, अब आपको वो इशू यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मेन चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही नया फीचर एड ऑन किया गया है, वो है एड सम ऑन इमोशंस की ऑन मेक योर कीबोर्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है इन दोनों में से ही एक फीचर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि एक पहले था या नहीं था, बट इन दोनों में से ही वो वाला फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो। हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, हो सकता है क्या बहुत कम ही रिप्लाई कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार। मैं क्या बीच में ऑफिस भी जाता हूँ, चक्कर में रिप्लाई नहीं कर सकता, पर आने वाले टाइम पे मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। तो प्लीज यार कमेंट भी कर दिया करो और सबसे जरूरी चीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी मैं बहुत कुछ नए चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। तो और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो एक काम और कर दो भाई, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो भाई को, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।